ये अल्लाह की रहमतों का मौसम बहार है और अहले ईमान के लिए करम नवाजियों, रहमत, बरकात और अनवार का लूट से मेला है, जिसमें गुनाहगारों की बख्शिश व मग़फ़रत का सामा होता है। और अल्लाह माह सियाम की हर शब को गुनाहगार जहन्नुम की आग से आज़ाद फरमाता है। ये बाबरकत महीना अपने दामन में इतनी बरकतें लिए हुए जलवा घर होता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर लोगों को पता चल जाए कि रमज़ान में क्या है तो वो आरज़ू करें कि पूरा साल ही रमज़ान रहे। इतनी बरकतें और इतनी रहमतें अल्लाह ने इस मुबारक महीने के दामन में डाल दी हैं। मैंने जो आपके सामने आयत करीमा तिलावत की है, उसमें भी इस मफहूम को बयान फरमाया गया कि ऐ ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहलों पे फ़र्ज़ किए गए थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। क्यों फ़र्ज़ किए गए, वजह क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेज़गार बन जाओ। तो रोज़े की फर्जियत का नतीजा तकवे का हासिल होना है, इत्तेका की दौलत का नसीब होना है। तो इस आयत करीमा में तीन चीज़ें बयान की गई। सबसे पहली, ए ईमान वालों, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। फिर दूसरी बात, जिस तरह तुम्हारे से पहलों पे फ़र्ज़ किए गए। और तीसरी बात, ताकि तुम्हें तकवे का नूर नसीब हो, तुम्हें इत्तेका की दौलत नसीब हो। तो एक तो रोज़े की फर्जियत का हुक्म दिया गया और दूसरा ये तसल्ली दी गई कि ये भूख और प्यास की शिद्दत तुम्हें ही नहीं काटना पड़ेगी, तुमसे कबल भी लोग ये इबादत करते रहे हैं और वो इस मुश्किल इबादत से तकवे को हासिल करते रहे हैं और तुम्हें भी हम उस रास्ते से तकवा नसीब करना चाहते हैं। अल्लामा हक्की अलैह रहमा ने लिखा है कि मलिक तहमूरस सालिस, ये हज़रत आदम अलैह सलाम की औलाद से तीसरा बादशाह गुजरा है, उसके ज़माने में काहत पड़ गया था, तो उसने अपनी कौम को ये हुक्म दिया कि एक वक्त का खाना आप खा लें और एक वक्त का खाना बचाएं और वो काहत ज़दा इलाकों में भेजें। तो कौम ने उस हुक्म को बसर व चश्म कबूल किया और एक वक्त का फाका काट के अपने उन भाइयों के लिए वो खाना भेजते जो काहत में मुब्तला थे। कौम की ये अदा अल्लाह को पसंद आ गई और वक्त के नबी पर वही की गई कि तुम्हारे इस अमल को हम इबादत करार देते हैं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद मुत्तसिल ही ये इबादत फ़र्ज़ की गई और फिर जितनी भी मिल्लतें, कौमें और उम्मतें आईं उनमें रोज़े की तहसीन की गई और रोज़े की तलकीन की गई। पुरानी जितनी भी किताबें हैं, अनाजील हैं, तौरात है, उसमें रोज़ादारों की तारीफ़ मौजूद है। और हुजूर अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया पे तशरीफ़ फरमा हुए तो आका करीम रोज़े की फर्जियत से पहले भी रोज़े रखते थे। वैसे रोज़ा सन 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ है, शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में, लेकिन इससे कबल भी अय्याम 20 के हुजूर रोज़े रखते थे और उसके अलावा भी मुख्तलिफ अय्याम में अल्लाह के महबूब रोज़े रखते थे। रोज़े की फर्जियत के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कुल 9 रमज़ान आए हैं, जिसमें 7 29 के थे और 2 30 के थे।
ये बात जहन में रखिएगा कि रोज़े 29 हों सवाब फिर भी 30 कह दिया जाता है। तो ज़्यादातर जो रमज़ानुल मुबारक के महीने होते हैं वो 29 के होते हैं, 30 के कम होते हैं। हुजूर की ज़िंदगी में 9 में से 7 जो हैं वो 29 के हुए हैं और 2 30 के हुए हैं, तो सवाब पूरे 30 का ही है। बाज़ लोगों को ज़्यादा ही मसला होता है 29 हो जाएं तो ये अल्लाह का करम है कि रोज़ा रखना भी नहीं पड़ा और 30वें का सवाब भी मिल गया, लेकिन वो शोर मचा देते हैं कि ये रोज़ा खा गए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को अपने ज़ुम्मे इतनी बड़ी उम्मत का बोझ लेने की परेशानी हो और वो खामखा एक रोज़े के लिए पूरी उम्मत का बोझ अपने कंधों पर डाल ले। तो 29 रोज़े हों या 30 हों, अल्लाह सवाब पूरे 30 का ही अता करता है। रोज़ा अल्लाह ताला जल्ला शानहू की रज़ा और उसकी मोहब्बत के हुसूल का ज़रिया है, और इसका अमली नतीजा जो इस आयत करीमा में बयान किया गया वो तक्वा है। लअल्लकुम तत्तकून, रोज़ा इसलिए फ़र्ज किया गया कि तुम्हें तक्वा नसीब हो जाए, इत्तिका की दौलत नसीब। अब सवाल यह है, क्या तकवा भूख और प्यास से हासिल होता है? प्यास काटने से, भूख काटने से क्या तकवा नसीब हो जाता है? सुबह से लेकर शाम तक रोज़ा रखने की तलकीन की गई। यहाँ नार्वे में और मुख्तलिफ मुमालिक के अंदर 20-20 घंटे का रोज़ा है, और हमारे भी यहाँ 16-17 घंटे मुसलसल शिद्दत की गर्मी में भूख और प्यास काटना होती है। तो इतना तवील दौरानिया जो भूख और प्यास काटी है, इसका मकसद रिस्क बचाना नहीं है, बल्कि वयुज़ादु फीहि रिज़्कुल मोमिन, माह सियाम में मोमिन का रिस्क बढ़ जाता है। आप अपना बजट देख लीजिए, बाकी महीनों की नस्बत माह सियाम में आपके अखराजात ज़्यादा होते हैं और कुशादगी होती है। तो ये कोई खुराक बचाओ मुहिम नहीं है, बल्कि रिस्क तो बढ़ जाता है, लेकिन इसके बावजूद 20-20 घंटे, 17-17, 18-18 घंटे प्यास और भूख काटना, इसका कोई मकसद है तो वो मकसद कुरान ने बयान किया कि इसके नतीजे में तुम्हें इत्तिका की दौलत मिलेगी, तुम्हें तकवे का नूर नसीब होगा। सवाल ये खड़ा हुआ, क्या भूख और प्यास काटने से तकवा मिल जाता है? तो इसको समझने के लिए एक मुख्तसर तमहीद समझना होगी, और वो ये कि हमारे दो दुश्मन हैं जो हमें जादाए मुस्तकीम से हटाने के लिए दिन रात कोशा हैं, एक शैतान और दूसरा नफ्स। ये दो दुश्मन हैं जो हमारी मताए अमल, हमारा खुलूस, हमारी लिल्लाहियत, हमारा बातिन लूटने के लिए हर वक्त मुस्ताद और फ़ाल रहते हैं। अब इन दो दुश्मनों से हमारे तन्हा नातवा वजूद का मुकाबला है, और ये इनमें से जो बड़ा दुश्मन है वो नफ्स है, क्योंकि शैतान ने जब इनकार सजदा किया तो हम तो ये कहते हैं कि हमें शैतान ने बहका दिया, लेकिन शैतान ने जब इनकार सजदा किया और ख़ुद बहक गया तो उस वक्त कोई दूसरा शैतान तो नहीं था जिसने शैतान को बहकाया, वो नफ्स था जिसने शैतान को शैतान बनाया। उसने अंदर से कहा आना खैर उम्मिन हो, मैं बेहतर हूँ। तो ये अनानियत जो थी, आना खैर उम्मिन हो, इसने उसको बहकाया। तो शैतान को शैतान बनाने वाला नफ्स है, तो नफ्स शैतान से भी बड़ा दुश्मन है। एक बुज़ुर्ग थे, वो सारी ज़िंदगी अपनी ज़ुबान पे अना का लफ्ज़ नहीं आने देते थे। इस मफहूम को बयान करना होता तो वो बाअल्फाज़े दिगर बयान करते, मैं का लफ्ज़, अना का लफ्ज़ वो अपनी ज़ुबान पे सारी ज़िंदगी उन्होंने जारी ही नहीं होने दिया। कहते थे इस लफ्ज़ ने शैतान का बेड़ा गर्क कर दिया, तो मैं ये लफ्ज़ ज़ुबान पर आने नहीं दूँगा। अच्छा, बंदे भी बड़े अजीब होते हैं, किसी ने कहा लो लो उनकी ज़ुबान पे ये लफ्ज़ आता कि उन्हीं मैं जाता हूँ, और उनकी ज़ुबान पे ये लफ्ज़ आए ही आए, चले गए। बुज़ुर्ग तशरीफ़ फरमा थे, नमाज का वक्त करीब हो रहा था, हज़रत एक मसला पूछने आया हूँ। कहा पूछिए।
शैतान को किस चीज़ ने बर्बाद किया? हज़रत आप तो बोलेंगे कि मैं ने, आना ने, तो कहूँगा जैसे भी हुआ इनके ज़ुबान पे लफ्ज़ मैं तो आ ही गया ना। तो वो बुज़ुर्ग भी बड़े सियाने थे, उसकी नीयत का खोट समझ गए। फरमाने लगे बेटा नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ लेते हैं फिर इस पर बात होती है। नमाज हुई, सलाम फिरा तो खुद ही फरमाने लगे किसी ने कहा था कि शैतान को किस चीज़ ने बर्बाद किया? जवाब देना चाह रहा हूँ, किसने पूछा था? झट खड़ा हो गया, मैंने कहा इसी चीज़ ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो जो नफ्स था वो शैतान को शैतान बनाने वाला है। तो हमारे साथ नफ्स भी लगा हुआ है, हमारे पीछे शैतान भी लगा हुआ है। शैतान भी बड़ा मक्कार दुश्मन है, छोटा दुश्मन ये भी नहीं है। ये हमारी मताए अज़ीज़ को, मताए ईमान को, मताए अमल को, मताए खलूस को लूटने के लिए दिन रात मुस्तद और फ़ाल रहता है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया अश्शैतानु जासिमुन अला क़ल्ब इब्न आदम फ़ाइज़ा ज़क़रल्लाहु ख़ानसा वाइज़ा ग़फ़ला वसवसा। शैतान औलाद आदम के दिल पे कब्ज़ा जमा के बैठ जाता है। जब ये अल्लाह का ज़िक्र करता है तो भाग जाता है, और जब ये अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होता है तो ये वसवसा अंदाज़ी करता है। तो शैतान औलाद आदम के दिल पे कब्ज़ा जमाता है। उसे पता है कि दिल काबू में आ गया तो पूरा बदन काबू में आ गया, क्योंकि मेरे आज़ाए बदनियाँ मेरे दिल के ताबे हैं। मौसम अच्छा है, रुत सुहानी है, सहने चमन में फूल खिले हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा तो टांगें जुम्बश ही नहीं करेंगी। मुरगन गजाएँ सामने पड़ी हैं और आपका तकाजा है कि जनाब ले लीजिए, लेकिन मेरा जी नहीं चाहेगा तो हाथ जुम्बश नहीं करेंगे। आसमान सितारों और कहकशाओं से भरा हुआ है, जी नहीं चाहेगा तो नजर नहीं उठेगी। आप समातें बिछाए बैठे थे, जी नहीं चाहेगा जुबान नहीं बोलेगी। तो पूरे आज़ाद दिल के ताबे हैं, और अगर दिल शैतान के ताबे हो गया, उसके हत्थे चढ़ गया, तो फिर आज़ाद वही करेंगे जो शैतान चाहेगा। और अगर ये दिल मालिक की मोहब्बत से सरशार होगा तो फिर दिल जो चाहेगा वही आज़ाद करेंगे। तो दिल अल्लाह की नाफरमानी कि चाहत ही पैदा नहीं होने देगा, तो आज़ाए बदनियाँ का रुख भी अल्लाह की रज़ा के हुसूल के लिए होगा। तो शैतान भी कब्ज़ा दिल पे जमाता है और दिल को काबू में करके हज़रत इंसान का बेड़ा गर्क करता है। अल्लाह ताला का कर्म ये हुआ, इज़ा जा रमदान सुलसिलत शयातीन। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जब माह सियाम आता है तो शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अब हमारे दो दुश्मन थे, एक नफ्स और दूसरा शैतान। दोनों के मुकाबले में नातवा और कमज़ोर जान को मुकाबले में आना पड़ता था, लेकिन जब माह सियाम आया, ये माह अनवर आया, तो हमारे दो दुश्मनों में से एक दुश्मन बांध दिया गया। अब हमारा मुकाबला सिर्फ एक दुश्मन से रह गया। देखिए माह रमज़ान आता है तो मस्जिदों के दर कुशादा हो जाते हैं, लोगों का रुझान दीन की तरफ होता है। जो पांच नमाजें भी नहीं पढ़ते होते उनको तरावी में भी खड़ा होता देखते हैं, एहतमाम होता है, नेकी का सदका व खैरात का माहौल पैदा होता है। ऐसा क्यों है कि शैतान बंद गया? लेकिन इसके बावजूद नज़र भटक रही है, ख्यालों में आवारगी है और रिश्वत का बाजार गर्म है। क्यों? कि अभी नफ्स मौजूद। तो नेकी का जो माहौल पैदा हुआ ये शैतान के बंद जाने की वजह से, और बुराई का माहौल अब भी मौजूद है ये नफ्स के मौजूद होने की वजह से। तो हमारे दो दुश्मन हैं जो हमें ज़्यादा मुस्तकीम से हटाते हैं, एक शैतान और दूसरा नफ्स। अब जब माह सियाम आया तो शैतान बांध दिया गया, अब हमारा मुकाबला सिर्फ नफ्स से है, और ये नफ्स शैतान से भी बड़ा दुश्मन है। शैतान को शैतान बनाने वाला नफ्स, और वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। माह सियाम में शैतान तो बंद गया लेकिन नफ्स नहीं बंदा। अब हमें अपने नफ्स को कमज़ोर करके और अपनी फतह हासिल करनी है और तकवे की मंजिल को पाना है। अब शैतान तो अल्लाह ने बांध दिया, अब नफ्स को कैसे बांधें? तो आइए नफ्स की बंदिश कैसे होगी ये किसी एक्सपर्ट से पूछेंगे कि ये कैसे इसको बांधेंगे, इसको कैसे काबू में करेंगे। तो किसी ऐसे शख्स से पूछें जो इस शोबे का माहर हो। तो अल्लामा इकबाल के मुर्शद मुल्ला जलालुद्दीन रूमी अलैह रहमा कहते हैं आओ तुम्हें मैं एक मुआलिज का पता देता हूँ जो
तुम्हें इस बीमारी का इलाज बताएगा और इसकी बंदिश के तरीके बताएगा। शेख रूमी अलैह रहमा फरमाते हैं, हफ्त शहरे इश्क रा अत्तार गश्त मा हनूज अंदर खमे यक पूचाम। इश्क के सातों शहर शेख फरीदुद्दीन अत्तार घूम चुके हैं और मेरे जैसा शख्स इश्क के पहले शहर की पहली गली के कोने पे खड़ा है। अब अंदाज़ा किए कि जिनका पता हज़रत मुल्ला जलालुद्दीन रूमी दे रहे हैं वो किस बुलंद मर्तबे पे फैज़ुल मराम है। फरमाया कि वो इश्क के सातों शहर घूम चुके हैं और मैं पहले शहर की पहली गली की नुक्कड़ पे खड़ा हूँ। अब शेख फरीदुद्दीन अलैह रहमा से पूछिए कि शैतान तो बंद गया, अब नफ्स का वबाल हमारे ऊपर पड़ रहा है और हम इसके बावजूद माहे सयाम के अंदर गुनाहों में मुनहमिक हैं, तो हमें बताया जाए कि इस नफ्स का इलाज कैसे किया जाए, हमें आपका पता बताया गया है। तो शेख फरीदुद्दीन अत्तार बोले, नफ्स नतवा कुश्त इल्ला बासे चीज बात गोयम याद गिरश ए अजीज। नफ्स नहीं मरता लेकिन अगर तीन असले तेरे पास हों तो ये ठहर भी नहीं सकता। वो तीन असले कौन से हैं? खंजरे खामोशी और शमशीर जू, नेजाए तन्हाई और तरके हुजू। खामोशी का खंजर, भूख की तलवार और तन्हाई का नेजा, ये तीन असले ऐसे हैं। अगर तू ये लेकर के नफ्स पे टूट पड़े तो फिर नफ्स का मुकाबला तेरे लिए आसान होगा। खंजरे खामोशी, खामोशी का खंजर, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन सामेता नजा, जो खामोश हो गया वो नजात पा गया। क्योंकि इंसान की ज़िंदगी की ज़्यादा आफतें उसकी ज़ुबान की वजह से हैं। आप अपने गुनाहों का और मैं अपने गुनाहों का अगर एहतसाब करूं तो हमें सबसे ज़्यादा गुनाह ज़ुबान के मिलेंगे। आंखें भी गुनाह करती हैं, हाथ भी गुनाह करते हैं, पाँव भी गुनाह करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गुनाह ज़ुबान करती है। झूठ भी बोलती है, गीबत भी करती है, शिकवा भी करती है, गाली सबो शतम और क्या कुछ ज़ुबान के गुनाह हैं। इसीलिए अल्लाह के महबूब ने फरमाया, जो तुम्हारे दो जबड़ों के दरमियान है यानी ज़ुबान और दो टांगों के दरमियान है तुम्हारी पारसाई की जगह, तुम इन दो चीज़ों की मुझे ज़मानत दे दो, मैं मोहम्मद तुम्हें जन्नत की ज़मानत दे देता हूँ। तो इंसान के सबसे ज़्यादा गुनाह ज़ुबान के हैं और उसकी पारसाई की जगह। तो इसलिए मेरे हुजूर ने फरमाया, मन समेता नजा, जो खामोश हो गया वो नजात पा गया। खंजरे खामोशी, खामोशी का खंजर नफ्स कुशी का एक मुअस्सर जरिया। और दूसरी बात, वशमशीर जू और भूख की तलवार, तो भूख से नफ्स का मुकाबला किया जा सकता है, भूख की तलवार से नफ्स का सर काटा जा सकता है। अल्लाह के महबूब का फरमान सुनिए, या माशर शबाब من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبص وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء। اے جوانوں کے گرو، تم میں سے اگر کوئی نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ دیر نہ کرے، فل فور نکاح کر لے، یہ نظر کا اور پارسائی کا محافظ ہے۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی نکاح کرنے کی فی الحال پوزیشن میں نہیں ہے تو وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھے، रोज़े काते शहवात हैं। तो भूख से नफ्स को जो है वो रोका जा सकता है, इसको लगाम डाली जा सकती है। तीसरी बात, नेज़ाए तन्हाई, तन्हाई का नेज़ा। तो फरमाया गया कि अल आफियत व फिल उज़ला, के तन्हाई के अंदर ही आफियत है। जब मजलसों में गीबत की बदबू फैलती हो और चुगली का माहौल मुआशरे का जुज़्वे लायनफक बन जाए और मजालस के अंदर नज़रों की पाकिजगी का कायम रहना मुश्किल हो जाए और इंसान की ज़िंदगी के अंदर गुनाहों का बहुत बड़ा सबब मजलसी ज़िंदगी हो, तो फिर उससे तन्हाई बेहतर है। हज़रत शाह नक्शबंद बुखारी फरमाते हैं कि फ़कीर के लिए सबसे अच्छी जगह अल्लाह का घर मस्जिद है, या किसी कामिल साले शख्स की सोहबत है, और या फिर तन्हाई है। चौथी जगह हलाकत के अलावा और कुछ नहीं है। हमें अपने कारोबार में, अपने मामलात में, अपनी मुलाजमतों में जाने की तलकीन की गई, तो वहाँ ये तलकीन की गई कि देर से जाओ जल्दी वापस आ जाओ,
और मस्जिद में जाते हुए तलकीन की गई कि जल्दी जाओ और देर से वापस आओ। लेकिन हम मस्जिद के दरवाज़ों पे जब दौरे मौजूद में रश देखते हैं कि लोग बहुत जल्दी निकलना चाहते हैं, हत्ता कि कंधों से कंधे टकरा रहे होते हैं कि जल्दी से बाहर निकल जाएं, हालांकि वो आफियत की जगह है, दो मिनट ज़्यादा भी हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। और ऐसे लोगों को भी निकलने में जल्दी करते हुए देखा है कि लगता तो ये था कि शायद ये इन्होंने किसी ज़रूरी काम पर जाना है, लेकिन बाहर निकल के बाज़ार में फट्टे पर बैठे थे और मस्जिद से निकलने की जल्दी बहुत थी। तो मस्जिद में जल्दी जाओ और देर से वापस आओ, और बाज़ार में देर से जाओ और जल्दी वापस आओ, लेकिन हमारे रवैये इसके बरक्स हो गए। तो तन्हाई में आफियत है, खामोशी में आफियत है और भूख में आफियत है, और ये सारी चीज़ें रोज़े में मुयस्सर हैं। फरमाए तुमसे अगर कोई शख्स उलझे, बहस करे, लड़ाई करना चाहे तो तुम उसे कहो इन्नी साइमुन, मैंने रोज़ा रखा हुआ है। इसी तरह जो है वो रोज़े से आपको यकसुई मिलेगी, कुरान मजीद की तिलावत का माहौल होगा और तुम भूख काटोगे, और ये तीनों चीज़ें तुम्हारे नफ्स को कमज़ोर करने वाली हैं। शैतान बंद गया, नफ्स कमज़ोर हो गया, और जब नफ्स कमज़ोर हो गया, कमज़ोर होता है ये नफ्स, मरता नहीं है ये, तो कोई है बाज फकीरा किसे नहीं मारया, बाहू जालिम चोर अंदर दा, ये अंदर वाला चोर जो है वो इतनी आसानी से काबू आता ही नहीं है, ये फिर सर उठा लेता है। इसको जितना कुचलो ये कुछ अरसे के बाद थोड़ी सी खुराक मिलती है तो फिर सर उठा लेते हैं। हज़रत बायजीद बुस्तामी कहते हैं मैंने अपने नफ्स को एक दिन कहा कि मैं तुझे खुराक भी नहीं देता और तू फिर भी मोटा ताज़ा है, तो मेरे नफ्स ने मुझे कहा कि ए बायजीद, जब तुम बाज़ार से गुजरते हो तो लोग उंगलियाँ उठा उठा कहते हैं ये बायजीद जा रहा है, ये बायजीद जा रहा है, तो मुझे मेरी ग़िज़ा और खुराक इससे मिल जाती है। तो ये खुराक होती है नफ्स की, तो नफ्स बहुत ज़ालिम है और सारी ज़िंदगी इससे लड़ते हुए गुजरती है। वो किसी ने कहा था ना, तमाम उम्र तूफ़ान से खेलते गुजरी, नैया के डूबने का डर भी रहा, तो ये सारी ज़िंदगी इस तरह टकराते हुए इससे गुजरती है। लेकिन जब कमज़ोर हो जाए तो फिर ये शैतान को जो है वो मौका नहीं देता है। लेकिन अगर नफ्स अगर माहे सियाम में हमारा कमज़ोर ना हुआ, सिर्फ हमने भूख ही काटी और बाकी अपने मामूलात वही रखे, तो मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने झूठ और बुरे काम नहीं छोड़े और झूठे काम तर्क नहीं किए, उसके भूखा और प्यासा रहने की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। रोज़ा तो एक मश्क थी, ये तो बातन की ततहीर का एक ज़रिया था, ये तो मन की तहजीब का एक ज़रिया था, ये तो नफ्स की शर से अपने आप को बचाने और शैतान के मकर फरेब से बचाने का एक ज़रिया था। देखिए शैतान बंद जाता है माह सियाम में, हदीस वाज़ेह है, लेकिन नफ्स मौजूद रहते हैं। अगर नफ्स कमज़ोर हो गया तो शैतान छुटके भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि शैतान बाहर का दुश्मन है, नफ्स अंदर का दुश्मन है। जब तक अंदर वाला दुश्मन साथ नहीं देता, बाहर वाला दुश्मन कुछ नहीं कर सकता। हमारे देहातों में चोरी हो जाए तो बूढ़े बुजुर्ग सर जोड़ के बैठ जाते हैं कि चोर कहाँ से आया, कैसे आया, तो एक नुक्ते पर सारे मुत्तफिक होते हैं कि अंदर का कोई भेदी ज़रूर मौजूद है। अगर अंदर का कोई भेदी मौजूद नहीं है तो चोर बाहर से आके हमला आवर हो ही नहीं सकता है। तो शैतान बाहर का चोर है, नफ्स अंदर का भेदी है, और अगर ये अंदर वाला बाहर वाले का साथ ना दे तो शैतान इंसान पर हमला आवर हो ही नहीं सकता। इसलिए इसको काबू कर लें, इसको राम कर लें, ताकि शैतान छुटने के बावजूद भी जो है वो हमारे ऊपर हमला आवर ना हो सके, वरना वो तो पेचो ताप खा रहा है कि ये जो तुम नमाजें पढ़ते हो, सरों पर टोपियाँ तुमने पहनी हैं और बड़े शरीफ बन के मस्जिद में जा रहे हो, ज़रा छुट लूँ, ईद के दिन ही जो है वो तुम्हारा सारा किया धरा बर्बाद ना किया तो मुझे शैतान न कहना। तो वो सब कुछ बर्बाद कर देता है अगर हमारे नफ्स की तहजीब नहीं होती। तो ये अल्लाह ने एक हमें मौका दिया है, पूरा एक महीना है, एक वर्कशॉप है बातन की ततहीर के लिए और एक अंदर की पाकिजगी के लिए हमें एक मौका फराहम किया गया है, और उससे हम भरपूर फ़ायदा हासिल करें। कुरान मजीद की कसरत के साथ तिलावत, सलात तरावी में शमूलियत और ख़ामोशी का इख्तियार करना, और जो है वो अल्लाह के ज़िक्र फ़िक्र की तरफ मुतवज्जे रहना और भूख काटना, इसका अमली नतीजा ये होगा कि इत्तिका की दौलत नसीब हो। देखिए माहे सियाम में हमें उन कामों से भी रोक दिया गया जो कि काम जायज़ थे, खाना पीना और जो है वो अपनी मनकुहा से जिनसी ताल्लुक़, ये तो वो उमूर थे कि जो
جائز تھے، مشروع تھے، لیکن اوقات روزہ میں ان جائز کاموں سے بھی ہمیں روک دیا گیا۔ اس فلسفے کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جو کام شریعت میں جائز تھے، مشروع تھے، روزہ ان سے بھی رک جانے کا نام ہے، اور جو چیزیں شریعت میں جائز ہی نہیں ہیں، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، بد نگاہی ہے اور دیگر برے اعمال ہیں، تو یہ چیزیں تو روزہ نہ بھی ہو پھر بھی ناجائز ہیں۔ تو جو چیزیں جائز تھیں روزے میں ان سے بھی منع کر دیا گیا، اور جو چیزیں ناجائز ہیں تو اگر کوئی شخص ان چیزوں سے نہیں رکتا تو پھر اس نے روزہ کیا رکھا؟ ایک بندہ بھوک کاٹتا ہے لیکن جھوٹ بولتا ہے، ایک بندہ پیاس کاٹتا ہے لیکن غیبت کرتا ہے، ایک بندہ صبح سے شام تک نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے لیکن رشوت لیتا ہے، پھر مجھے بتائیے اس نے روزہ کیا رکھا؟ روزہ تو ایک مشق تھی کہ جو چیزیں جائز تھیں ان سے بھی منع کر دیا گیا، ان سے بھی روک دیا گیا، اور جو ناجائز تھی وہ تو پہلے ہی ناجائز تھی، روزے کے بغیر بھی ناجائز تھی۔ تو اس لیے روزہ ایک مشق ہے، ہمارے سامنے مرغن غذا موجود ہے، ہمارے پاس سامنے ٹھنڈا مشروب موجود ہے، اور ہمیں مشق کرنے کی تلقین کی گئی کہ تمہیں بھوک ہے، شدت کی پیاس ہے، لیکن صبر کر کے دکھاؤ تم نہیں لوگے، یہ تمہاری مشق ہے۔ تو پھر جو حرام ہوگا، اللہ کی طرف سے ممنوع ہوگا، تو اس کو تم کس طرح لوگے جب تمہاری یہ مشق ہو چکی؟ لیکن ہم اس مشق کے اندر ہی جب ان سے نہیں رکیں گے تو پھر ہمارا روزہ ہی نہیں ہوگا، پھر بھوک اور پیاس کاٹنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کاٹنے کے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے تو رکنا ہی رکنا ہے، جو چیزیں مشروع ہیں ان سے وقتی طور پہ روکا گیا تو ان سے بھی روک کر کے روزے کی تکمیل کی جائے۔ اچھا، روزے میں ایک اور چیز ہے کہ ہمارے صوفیاء مراقبہ کر کے ایک دولت پاتے ہیں، اور وہ کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ مراقبے میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس تصور میں ڈوب جاتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ یقین اپنے اندر اتارتے رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ تصور جب بندے کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ماہ سیام میں یہ دولت اللہ بانٹ دیتا ہے، جو مراقبے سے صوفیاء حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دولت کو اہل ایمان پہ چھڑک دیتا ہے۔ کڑکتی دھوپ، برستی گرمی، زبان کانٹا، ہونٹ خشک، ٹھنڈا پانی دستیاب، دروازہ مکفل، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لیکن بندہ ایک گھونٹ بھی نہیں پیتا، وضو کرتے بھی احتیاط کرتا ہے کوئی قطرہ حلق سے نیچے نہ اتر جائے، کیوں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جو چیزیں صوفیاء کو مراقبے سے نصیب ہوتی ہیں، ماہ سیام میں اللہ اس دولت کو بانٹ دیتا ہے، چھڑک دیتا ہے، بارش کی طرح وہ دولت برستی ہے، اور یہ تصور ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم پانی نہیں پیتے، اللہ دیکھ رہا ہے، مرغن غذائیں موجود ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہم کھانا نہیں کھاتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم پانی نہیں پیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن جب رشوت لے رہے ہوتے ہیں اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب نظر بھٹک رہی ہوتی ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب خیال بہک رہا ہوتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب سوچوں میں آوارگی آتی ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ تو یہ صرف وہ کھانے اور پینے کو ہی دیکھ رہا ہے، باقی امور زندگی کو نہیں دیکھ رہا، اور وہ کیا صرف رمضان میں دیکھتا ہے، غیر رمضان میں نہیں دیکھتا؟ تو یہ جو نور اترا تھا ماہ سیام میں، اس کو اپنے اندر اگر جذب کر لیا جائے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ جو مراقبوں سے حاصل ہوتا تھا ماہ سیام میں، وہ مینہ کی طرح برسا، اور ہم اس کے اپنے اندر سمو لیں، جذب کر لیں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی نور و لا نور ہو جائے گی۔ اور یہ تصور جب انسان کی زندگی میں جم جائے تو یہ گناہوں سے روکنے کا مؤثر ذریعہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے بتائیے، اس سے بڑا ہیجان انگیز بھی کوئی منظر ہو سکتا ہے کہ حسن کی پتلی ہے اور جو ہے وہ اس کی ایک ایک ادا اور عشوے سے قیامتیں پھوٹتی ہیں، اور وہ خود جناب یوسف کے سامنے اپنے حسن کو پیش کر رہی ہے، ساتوں دروازے بھی مکفل ہیں، بت کے اوپر بھی کپڑا ڈال لیا، اور زلیخا حضرت یوسف کو خود کہہ رہی ہے تعلق یوسف اب تو آ جاؤ نا، ذرا آنکھ اٹھا کے میرے جلوے دیکھو۔ لیکن جناب یوسف کیا بولتے ہیں؟ کالا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کہا تو سات دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی، اور موٹا کھیس ڈال کے اپنے زوم میں اپنے اس جھوٹے خدا سے بھی شرم کرتی ہے اور اس سے چھپ گئی، میں اس خدا سے حیا کیوں نہ کروں جو ساتویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے۔
پھر اتنی روشنیاں برسی, اتنا یقین برسا کہ گناہ کیا, گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا. تو مجھے بتائیے کتنا ہیجان انگیز منظر تھا جب حسن قدموں میں بچھنے کے لیے خود بیتاب تھا, اور حضرت یوسف جوان رانا ہیں, جوانی اور شباب پورے بانکپن پہ ہے, اور ادھر حسن مچل مچل کے قدموں میں بچھ رہا ہے, لیکن یہ جذبہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, ایسی رکاوٹ بنتا ہے. کالا معاذ اللہ, کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو یہ یقین جب بندے کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو پھر انسان کے لیے گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. گھر میں فاقے ہوں, مشکل میں بندہ پھنسا ہو اور اس کو رشوت مل رہی ہو, تو پھر اپنا ہاتھ روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے, بلکتے بچوں کا خیال آتا ہے. لیکن جب یہ خیال ہو کہ میرا رب میرا رازق ہے اور میرے اس عمل کو دیکھ رہا ہے, تو پھر بندہ اس کو پرے کا کی حیثیت بھی نہیں دیتا, اور جب وہ پاؤں کی ٹھوکر پہ بھی نہ رکھے تو پھر اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, تو یہ کر کے دیکھ, میں تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہوگا. تو اپنے یقین کو کھڑا کر کے دیکھ, میرے اوپر اعتماد کر کے دیکھ. میرے حضور نے فرمایا اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اگر تم ادا کرو وہ تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو عطا کرتا ہے. صبح گھر سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں, ہمیں تو پتہ ہے دفتر میں جانا ہے, ہمیں تو پتہ ہے دکان پہ جانا ہے, ہمیں تو پتہ ہے فیکٹری میں جانا ہے, ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم نے فلاں جگہ جا کے دہاڑی لگانی, لیکن ان کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا, کوئی فیکٹری نہیں ہوتی. جدھر جی آیا صبح جو ہے وہ اڑان بھر دی. بند توکل پنچھی اڑ دے, خرچ نہ پلے زیرا ہو, نہ کوئی راس ہے نہ کوئی کاروبار ہے. لیکن کبھی ایسا نہ ہوا کہ شام کو خالی پیٹ آئے ہوں, تو کہا اگر تم اللہ پہ توکل کر لو وہ بھی تمہیں ایسے رزق دے جیسے پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے. پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے ہنس, یہ سچے موتی کھاتا ہے. اور آپ پنساری کے پاس موتی لینے جائیں تو ہزاروں روپے تولے کے معاشے کے حساب سے آپ لیں, تو پھر بھی آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ خالص دیا یا نہیں دیے. وہ اتنے نایاب اور کامیاب ہیں کہ آپ معاشوں اور تولوں میں خریدتے اور پھر بھی آپ کو شک رہتا ہے کہ یہ خالص ہیں یا کہ نہیں. اور ہنس کھاتا ہی وہ ہے, اور دنیا پر ایک نہیں لاکھوں کروڑوں ہنس ہیں, اور روزانہ صبح و شام کھاتے اور پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, اور اللہ انہیں روز عطا بھی کرتا. تو یہ مالک وہ ہے رازق ہے. جب اس پہ توکل اور اس پہ یقین پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مشکل نہیں رہتا, پھر آسانی پیدا ہو جاتا. تو روزوں میں اللہ تعالیٰ یہ یقین دیتا ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے, بندہ یہ تیقن پیدا کر لیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بعض کا چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں تو مائیں بے چین ہو جاتی ہیں, جب دوپہر کے وقت پھول جیسے بچے کملا جاتے ہیں تو مائیں انہیں بند کمرے میں کوئی کھانا یا کوئی ٹافی یا کوئی اور چیز یا چاکلیٹ دیتی ہیں کہ بیٹے یہ کھا لو, تو وہ بچے نہیں کھا رہے ہوتے تو مائیں کہتے ہیں پتر کھا لو کوئی نہیں دیکھ رہا, تو وہ بچے بھی کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. تو وہ جو صوفیاء کو مراقبوں سے ملتا ہے وہ ایک بچے کو بھی نصیب ہو رہا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ. یہاں ایک اور بھی تسلی ہے, ہم ہزار گناہگار صحیح, ہم ہزار سیاہ کار صحیح, لیکن ہمارا رب پہ کتنا یقین ہے. رمضان میں پتہ چلتا ہے کہ اس ذات پہ ہمارا کتنا تیقن ہے, کتنا یقین ہے, جس کو دیکھا نہیں چھوا نہیں بات نہیں ہوئی, جو تصور خیال کی حدود سے بھرا ہے, اتنا یقین ہے کہ ہم پانی نہیں لیتے کھانا نہیں لیتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کاش کہ اس کو ہم اپنی پوری زندگی میں پھیلا لیں, اور اس کو زندگی میں جب ہم طاری کر لیں گے تو پھر گناہ کرنا محال اور ناممکن ہو جائے گا, اور زندگی نور علی نور ہو جائے گی, اور یہی تقوی کا حصول ہے. تو فرمائے اے ایمان والو, تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب شعبان کی 29 تاریخ ہوتی تو اللہ کے محبوب ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے, اس میں رمضان المبارک کے فضائل بیان کرتے اور کہتے تمہارے پاس ایک شہر عظیم عزت اور عظمت والا مہینہ آ رہا ہے جس کا ہر دن باقی سال کے دنوں سے افضل ہے, جس کی ہر رات باقی سال کی راتوں سے افضل ہے, اور اس میں ایک رات ایسی ہے لیلۃ القدر جو ہزار مہینے سے بہتر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا روپ ہے, رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور روزہ دار کا روزہ بالخصوص عصر کے وقت شام کے وقت پچھلے پہر روزہ دار کے خالی معدے سے جو ایک بو اٹھتی ہے, مہک اٹھتی ہے, اللہ کو کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہوتی ہے.
अल्लाह अकबर। और फरमाया लिस्साए में फरहतान, फरहतुन इन द फितर ही व फरहतुन इन द लिकाए रब्बे। रोज़ादार के लिए दो खुशियां हैं, एक खुशी उसे तब मिलती है जब वो रोज़ा खोलता है सारे दिन की भूख और प्यास काट के, जब शाम को ठंडा और मीठा मशरूब उसे मिलता है और वो मशरूब अपने जो है वो मुंह में डालता है, वो मेदे की तरफ उतरता है, तो उसकी ज़ुबान बोले ना बोले उसका एक एक अंग अल्लाह की तस्बीह बोल रहा होता है और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता है। उस वक्त उसे एक अजीब फरहत होती है कि इतना तवील लंबा रोज़ा था, शुक्र है कि मेरा रोज़ा तकमील को पहुँचा। एक रूहानी मुसर्रत, फिर रोज़ा खुलने के वक्त उसको बदनी मुसर्रत, तो एक फरमाया उसको फरहत तब मिलती है जब वो रोज़ा खोलता है। व फरहतुन इन द लिकाए रब्बे, और दूसरी फरहत उसे तब मिलेगी जब रोज़े के सिले में अल्लाह अपने रुख से पर्दा हटा देगा और अल्लाह अपना दीदार अता फरमाएगा। तो ये रोज़ेदार के लिए खुशियाँ हैं। तो खुश नसीब हैं वो लोग जो माह सियाम के रोज़े पूरे खुशू खुजू के साथ रखते हैं और इसकी बरकतों से माला माल होते हैं। वरना बाज़ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, वो छोटी छोटी बीमारियों का बहाना बना के रोज़ा तर्क कर देते हैं और उन्हें हौसला ही नहीं पड़ता रोज़ा रखने का, क्योंकि असौमो निसफ सब्र, रोज़ा आधा सब्र है। मैं समझता हूँ, मैं शुगर का मरीज़ हूँ और 4 से 5 घंटे अगर मुझे कुछ खाने को ना मिले तो मेरी तबीयत में ऐसा इस्तराब और बेचैनी पैदा हो जाती है कि मैं घर वालों से उलझने की कैफियत में भी आ जाता हूँ। लेकिन माह सियाम में 20 घंटे भी काट लेता हूँ लेकिन मेरी तबीयत पे कोई बोझ इसलिए नहीं होता कि मैं अल्लाह की रज़ा को अपने जहन के एक एक गोशे में रखे हुए होता हूँ। तो ये आधा सब्र है, ये सब्र सिखाता है। और फिर रोज़े से जब हम भूख काटते हैं तो गुराबा मसाकीन, वो लोग जो बेचारे भूख और प्यास काट के ज़िंदगी गुजारते हैं, उनका भी हमें ख्याल आता है कि हमें तो अपने इख्तियार से चंद लम्हों के लिए भूख काटनी पड़ी, तो इसकी कुल्फत और इसकी अजियत इतनी है। तो जो शख्स मजबूरी की वजह से काटते हैं और उनके बिलकते बच्चे उनके सामने होते हैं तो फिर उनका आलम क्या होगा। तो इससे फिर सदका और खैरात का माहौल पैदा होता है और हम गुराबा को अपने साथ खुशियों में शरीक करते हैं। अल्लाह ताला जल्ला शानहु हमें माह सियाम के रोज़े, सलातु तरावी, दीगर साले आमाल की तौफीक दे। बाआखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।